घंटे ओडिशार संबलपुर एवं गंजाम जिले में गोटे रु दुईट स्थान में हालुका वर्षा अनुभूत होता छड़ा आमर पारादीप ठारे घन कुहुड़ी दृश्यमान होता बेले केतक अंचल हालुका मध्यम धरण कुहुड़ी अनुभूत होशार समतल अंचल मध्य सर्वनिम्न रात्रि तापमात्रा बलांगीर ठारे 13.5 डिग्री सेलसीयस रेकर्ड होता बेले आमर ओडिशार अनेक स्थान में रात्रि तापमात्रा स्वाभाविक ठारु अधिक रेकर्ड हो देखा 24 घंटा मध्य जो परिवर्तन होइछि खासकर उपकूल ओडिशा और तार पार्श्वर्ती अंचल रात्रि तापमात्रा 1.9 डिग्री जाए तल को खसी बेले अवशिष्ट ओडिशा रे तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन घटी ना तो व्यवधान रोचे स्वाभाविक तापमात्रा और रात्रि तापमात्रा मध्य उपकूल ओडिशा प्राय अंचल व्यवधान रात्रि तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 0.4 to 2.4 डिग्री जाए अधिक थे आभ्यंतरण ओडिशा रे प्राय अंचल 2 to 5 डिग्री जाए रात्रि तापमात्रा अधिक रही आगामी जो रोच बर्तमान ओडिशा उपरे कौनसी निर्दिष्ट पानीपागर प्रभाव ना किंतु आंशिक मेघाच्छन्न उपस्थित जलवाष्प प्रभाव में आम केन्दुझर एवं मयूरभंज जिले में गोटे रु दुईट स्थान में हालुका वर्षा अनुभूत होवार संभावना रही छड़ा 24 घंटा मध्य आम किसी जिले में घन कुहुड़ी संभावना रही जोठे दृश्यमान दूरता 200 to 50 मीटर रहिबार संभावना थी जगत सिंहपुर कटक नयागढ़ कंधमाल गंजाम और गजपति जिला को आम घन कुहुड़ी संभावना थी येलो वार्निंग जारी करवर्त समय आमर उत्तर पश्चिम दिग्वर ओडिशा मध्य थंडा शुष्क वायु क्रमगत भाव प्रवेश कर संभावना रही जोटा कि आज आरंभ हे प्रभाव में आम 28 तारीख रु कि जिले में खास करके आभ्यंतरण ओडिशार किसी जिले में शीतलहरी परिस्थिति संभावना रही कारण थंडा शुष्क वायु प्रभाव में तापमात्रा तल को खसब जहाँकि आमर देखा 28 तारीख में केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ सोनपुर बलांगीर यही जिले में आमर शीतलहरी संभावना रही सेपरी शीतलहरीर प्रभाव 29 तारीख में सर्वाधिक परवर्ती समय जहाँकि अनुगुल देवगढ़ संबलपुर सोनपुर नुआपड़ा को व्यापार संभावना रही सेपरी डे 5 रे 30 तारीख में यार प्रभाव रहिबो लगातार एवं रात्रि तापमात्रा आमर जो रही वर्तमान तीन दिन आगामी तीन दिन मध्य यह 3 to 5 डिग्री तलू खसब अर्थात शीतर वृद्धि हे ए शीतर प्रकोप 30 तारीख जाए रहिबार संभावना रही।